लोग भी अभी नहीं है यार मेरे पास। हेलो, घूमेगा 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 नहीं घूमेगा नहीं घूमेगा फिर से घूमेगा 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 इस बार तो पक्का घूमेगा। सो हाय हेलो एंड नमस्ते वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस। कैसे हो आप? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो चलो चलते हैं थोड़ा घूमने के लिए। घूमने का मतलब थोड़ा सा काम है मेरा, सो वो भी कंप्लीट कर लेते गाइस। बहुत दिन के बाद फिर आए न्यू ब्लॉग के साथ, बने रहो। आई होप ऑल आर डूइंग वेल गाइस। आशा करता हूँ सब अच्छे रहना, मैं भी मस्त हूँ। सो, अभी मेरे को जाना है डिमाकोसी तक। मेन चीज़ क्या है ना, मेरा एक गाड़ी का पार्ट्स ख़राब हुआ है। बाइक का एक पार्ट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, वो चीज़ को चेंज करना है मेरे को। वो भी चेंज करना है, प्लस थोड़ा दूर तक भी जाना है। मैं घर का अंदर का सीन तो नहीं दिखा सकता, सॉरी गाइस, क्योंकि देखो दूसरे के घर में डायरेक्टली जाके सब शूट करना थोड़ा सा अजीब लगता है। आप लोग बने रहो, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते गाइस। बहुत दिन के बाद यार ये धूप दिखाई दे रहा है यार, बहुत दिन के बाद। क्यों ना, लगातार वन वीक तक तो पूरा बारिश ही हो रहा था, अभी बहुत दिन के बाद थोड़ा सा अच्छा आ रहा है यार। धूप हो रहा है तो चलाने का भी मज़ा आता है यार, अगर धूप भी हो तो। नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी लगता है, पता है आप लोगों को। सो नियर टू होम टाउन नाउ, होम टाउन के सामने आ पहुँचा हूँ मैं। सो गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आप लोगों को रक्षाबंधन का हार्दिक शुभकामनाएं, जो दूर रहते हैं उन लोगों के लिए भी, जो पास है उन लोगों के लिए भी गाइस। सो नियर टू डिमाकोसी। सीन तगड़ा है गाइस, सीन तगड़ा है, आज सीन तगड़ा आएगा। क्यों बोलो, बारिश का मौसम में ना मेन चीज़ क्या होता है ना, गोप्रो में भी तो आप शूट करते हो ना, तो एक जो कलर होता है वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन धूप के सीजन में आप जैसे भी लो यार, शूट मस्त आता है, पता है। अगर धूप लगता है तो अगर आप वो लेते हो ना, मज़ा आ जाता है यार। और जैसे भी हो ना, अभी देखो इतना धूप दे रहा है, अब गौर करना, मतलब इसका कलर दूसरा आएगा। तो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखो आप जाके, उसमें दूसरा कलर आ रहा है, अच्छा लगता है यार ये चीज़। लेकिन गोप्रो का जैसे धूप पड़ता है उसको, मतलब उसका कलर टेंशन दूसरा हो जाता है उसका। मज़ा आता है यार वो चीज़ से भी। बैक टू डिमाकोसी, फिर डिमाकोसी आ गए गाइस। ये आना जाना रहते रहे गाइस, मेरा आना जाना होते रहता है इधर, क्योंकि डिमाकोसी अपना घर का सामने है गाइस। और एक चीज़ क्या है ना, होम टाउन है तो कुछ भी प्रोडक्ट लेना हो, कुछ भी लेना तो इधर ही आना पड़ता है। मेरे को एक चीज़ लेके जाना है इधर से, मिलेगा या नहीं इधर, आई होप मिल जाएगा इधर। वेट जस्ट ए मिनट, अरे यार कहाँ फंस गया ये। लेट्स गो, लेट्स सी। द सेलिब्रेशन हुआ, सेलिब्रेशन हुआ। फेस नहीं दिखा सकता उसका, सॉरी फॉर दैट। बहन है मेरी तो उसने बुलाया मेरे को राखी के लिए, एक्चुअली जा रहा हूँ उधर ही। ऐसे डायरेक्टली मैं उसका फेस दिखा नहीं सकता आप लोगों को, उसमें आप पूरा मत मानना। मैं राखी बांधूंगा आपको, किधर दिखाऊंगा अभी, देखो मेरा खाली हाथ है। मैं किसी का भी राखी नहीं बांधा है, उसके साथ बांध के आऊँगा अभी। वो नियर टू हाई स्कूल गाइस, ये हमारा यहाँ का जो होता है ना हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी पहुँचने वाला। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो दिस इज एन हाई सेकेंडरी गाइस, ये हाई सेकेंडरी है, डिमाकोसी हाई सेकेंडरी बोलते हैं इसको। तो आओ आप लोग कभी घूमने के लिए इधर भी, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस है यार गाइस। क्योंकि इनको बोलना है यहाँ ट्री हाउस है, इधर राइनो रिजॉर्ट है, बोगा माटी बोलते हैं वो भी है गाइस। जाएंगे एक दिन उधर भी, रुकिए थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को, आप लोग थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को, मैं जाऊंगा। क्योंकि मेरे को अभी टाइम नहीं मिल रहा है, घर का भी थोड़ा काम है, देखना पड़ता है, तो मैं दौड़ने का टाइम नहीं मिल रहा है गाइस, जाने का टाइम नहीं मिल रहा। अगर जाने का टाइम सब कुछ मिल जाता है ना, तो मेरे को कोई भी टेंशन नहीं होगा, तो आराम से जाके घूम के मस्त आ सकते हैं। लेकिन अभी मेन चीज़ क्या है ना, टाइम नहीं मिल रहा यार,
जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे गाइस। यू जस्ट कीप लविंग गाइस, यू जस्ट कीप लविंग। एक चीज़ करते हैं गाइस, इफ विल डू 500 सब्सक्राइबर देन विल गो गाइस, तभी हम लोग जाएंगे कहीं पे। नॉट डेज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं जाएंगे वहाँ जाएंगे, अभी नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप लोग 500 सब्सक्राइबर कर देते हो तो ऐसी जगह, ऐसी जगह आप लोगों को एक्सप्लोर करूँगा मैं, आप खुश हो जाओगे यार। नियर टू सिकलाई दोलंग, दोलंग क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, लाइक ब्रिज, ये इंग्लिश में हो गया ना ब्रिज को, ब्रिज तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं यार, मेरे को सूझ ही नहीं रहा है वो चीज़ क्या बोलते हैं इसको, कैसे बोलूँ मैं ही। I swear, bro, I cannot tell, what happened to me. मेरे को वो शब्द आ रहा है लेकिन मेरे मुंह में नहीं निकल रहा है यार, what the hell is going on with me, bro? अरे इधर जिम हो गया क्या, पता ही नहीं चला यार। अच्छा लगता है यार गाइस, ये देखो अभी क्या हुआ ना, धूप भी उस साइड है, देखो वो साइड धूप दिख रहा है ना, तो मतलब फील दूसरा आ रहा है इधर, अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऑल एवरीथिंग इज खूबसूरत गाइस, खूबसूरत खूबसूरत और खूबसूरत, कमेंट डाउन बिलो गाइस, खूबसूरत खूबसूरत और खूबसूरत, इससे भी ज्यादा खूबसूरत आने वाला है यार सीन गाइस, मेरे को जाने को नहीं मिल रहा यार, मेन चीज यार सच में बोल रहा हूँ, मेरे को ना घर से निकलने का टाइम ही नहीं मिल रहा, अगर टाइम मिलेगा ना पक्का मैं आप लोगों को दिखाता यार, बहुत अच्छा जगह है यार गाइस, यार बहुत जगह ऐसा है ना, आप मस्त एक्सप्लोर कर सकते हो यार, सच में बोल रहा हूँ, कुछ लोग भी नहीं है ना मेरे साथ, अकेला जाने का मन नहीं करता यार मेरे को, अगर अकेला जाने का मन करता था ना तो मैं कब का पहुँच जाता मैं, सच में बोल रहा हूँ, और दोस्त लोग भी अभी नहीं है यार मेरे पास, साले लोग किधर है पता नहीं, किसी को नहीं मिल रहा यार, फ़ोन करना चाहिए यार सबको, फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा, अभी ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाएंगे गाइस, विल मेक ए ग्रुप गाइस, मस्त वाला, ऑल बाइक सब बाइक होंगे ना गाइस तो मज़ा आएगा, क्योंकि बोलो एक मतलब थोड़ा आधे रास्ते दूसरे, तो आधे रास्ते दूसरे चला के जाएंगे, मज़ा आएगा सच में बोल रहा हूँ मैं, मस्त फील आएगा उसमें। सो आई एम वेटिंग फॉर माई क्या बोलते हैं ना दोस्त लोगों के लिए, लेकिन उन लोग नहीं आए गाइस, कोई घर पे भी नहीं है अभी, ओके थोड़ा आगे से मिलता होगा, क्योंकि रास्ता है ना बहुत ख़राब है यार इधर। हेलो, आराम से बैठा हुआ है, देखो उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको बिंदास से, वो उसका क्या है ना बिंदास लाइफ है उसका, कोई टेंशन नहीं है उसको, कभी भी टेंशन नहीं होता है। और दूसरी बात की है ना, मेरे को ये ऑफ रोडिंग से इतना नफरत है ना गाइस, सर एक जगह से कट करके भी नहीं ले सकता हूँ यार मैं, क्या यार व्हाट इज गोइंग ऑन आई डोंट नो, गाड़ी क्यों अटक रहा है ऐसा मेरे को फील हो रहा था, अभी पता चला साला वो प्रॉब्लम है बोल के यार, फोर्थ गियर में लगा के मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी क्यों नहीं जा रहा, पक क्यों नहीं रहा आगे, भाई क्या होगा भाई ऐसे, बाकी है ना मैं उसका घर सामने आ गया हूँ, अभी घर का सामने आ गया हूँ, तो आई विल कम्प्लीट माई ऑल एवरीथिंग गाइस, लाइक थोड़ा सा राखी मैं बांध लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली आप लोगों को मिलता हूँ, क्योंकि देखो अंदर जाके मैं वीडियो शीडियो ये सब नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मे बी दे विल फील अनकम्फर्टेबल ना, वो भी हो सकता है, बिकॉज मैंने बोला नहीं है कि मैं वीडियो करूँगा या करूँगा, मैं कोई बोलना भी नहीं है यार, जिसको अच्छा है मर्जी से उन लोग आएंगे तो आएंगे, नहीं तो किसी को बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस देखो। और दूसरी बात क्या है ना, मैं अंदर जाके वो कर नहीं सकता हूँ, आई थिंक दे विल नॉट फील कम्फर्टेबल, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग यू गाइस, सो कोई ना आपको मैं डायरेक्टली मिलता हूँ उधर कंप्लीट करके। ऑल एवरीथिंग इज डन, लाइक राखी वाखी मैंने ले लिया, यू कैन सी हियर नाउ, अभी मैं जा रहा हूँ घर की ओर, थोड़ा सा लेट हो गया उधर बैठ के थोड़ा सा बात किए, सो मैंने पूछा था उन लोगों को वीडियो कर सकता हूँ क्या, तो उन लोग बोले नहीं चाहिए बोले, तो अली बिट मैंने नहीं, उन लोगों को फोर्स भी नहीं किया कि वीडियो बनाने के लिए, चलो नहीं अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों लूँ ना, सो वही बात है मैंने नहीं लिया किसी को भी, फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी घर की ओर, आपको आगे जाके मिलता हूँ क्योंकि ये रास्ता बहुत ख़राब है गाइस।
सो नाउ अराउंड डिमोकोची में निकल चुका अभी गाइस। मैं आगे का वीडियो नहीं किया क्योंकि सेम ही रोड आना था, तो थोड़ा सा कुछ लेके जाते इधर से यार, मेरे को थोड़ा सा काम भी अभी, सो वो लेके उसके बाद डायरेक्टली चले जाते गाइस लेट्स गो। पहले मैं थोड़ा सा मेरा कुछ लेना है वो ले लूँ, उसके बाद निकलते फिर। आज के लिए इतना ही था, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं जो काम जो सोचा था मैंने वो नहीं हुआ आज। सो ओके गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल गाइस। तो आज के लिए इतना हो गया, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ फिर से। सो फॉर दैट टाइम कीप वॉचिंग गाइस।